हेलो हाय गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ आकाश बायजूस नीट। आज के हमारे मिशन एमबीबीएस के सेशन में वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट सोलेनोइड्स एंड टोरॉइड्स, राइट? आई कैन सी काफी सारे लोग आ गए यहाँ पे। आई कैन सी शाहिल इज हियर। हेलो, गुड आफ्टरनून शाहिल, गुड आफ्टरनून आशीष। So guys, quickly tell me, very quickly, whether I'm properly audible, properly visible, sab kuch badhiya hai. If everything's good, give me a thumbs up in the chat window and show me some josh, alright? If you are excited for this session, if you are excited to crack NEET 2023, saath mein mujhe bhi apna excitement dikhate chalo, thumbs up dikhate chalo, main bhi pure josh ke saath aapke saath session mein aa rahi hoon, right? Okay. So we have Sondrella here. Hello Sondrella. Good afternoon Aniket. Hello Mufjur. Lakshmi is here as well. All right. Sab logon ne mujhe bata diya hai. Bahut sare thumbs up bhi mil gaye hain. Everything's good, right? Mufjur, I am good. I am excited. Aaj main bahut interesting cheeze leke aayi hu aapke paas. So, yeah, how are you guys doing? Kaisi chal rahi hai aap log ki padhai? आई होप आपका फिजिक्स का डर थोड़ा कम हो रहा होगा, है ना? धीरे धीरे हम समझते चले जा रहे हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चंस को, राइट? आफ्टर एवरी चैप्टर वी हैव प्रैक्टिस सेशंस एंड मेक श्योर, वेल, प्रैक्टिस फ्रॉम द आकाश बायजूस ऐप एज वेल, राइट? सो अच्छा, एकदम मस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुफ्जर कैसा चल रहा है? शाहिल, अच्छी चल रही है प्रिपरेशन? ओके। छाएश सेज मंडे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट रैंक 3 आई है। अरे ऑसम, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही लगे रहो, ऐसे ही जोश के साथ पढ़ाई करते रहो और नीट में बिल्कुल बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा, है ना? या हेलो अदिति, हाय जन्नत, गुड आफ्टरनून अभय, गुड आफ्टरनून विक्रम, गुड आफ्टरनून शुभम। ऑलराइट, सो टुडेज सेशन, व्हाट आर वी डूइंग? आज के सेशन में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है? क्या करेंगे? सोलेनोइड क्या होता है एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड टू डू अ सोलेनोइड, हाउ डू वी कैलकुलेट इट, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नीट में, हम पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे एंड हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टोरॉइड्स, अगेन मैग्नेटिक फील्ड टू डू अ टोरॉइड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड सो ऑन, राइट? Okay, all right. But before we get started with all of this, no, I have a very, very interesting question for you. यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक figure है, right? Okay, so you can see this figure over here. Tell me, ये कौन सी machine है? ये एक medical equipment है, बहुत बहुत important machine है, सारे major hospitals में पाई जाती है and this is again a very life saving machine, right? So tell me, कौन मुझे बता सकता है ये figure देख के कि ये कौन सी मशीन लग रही है? Guesses भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है? और आज के टॉपिक से बहुत बहुत रिलेटेड है ये, बिकॉज सोलेनॉइड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस मशीन, ओके? कौन सी मशीन लग रही है ये? अच्छा, सूरज कह रहे हैं डायलिसिस मशीन, ओके। साजिद सेज ऑक्सीजन मशीन, मनोज सेज एक्सरे, ऑलराइट। अभय सेज डायलिसिस, भावेश सेज ऑक्सीजन। या भावेश, मनोज, आप लोग थोड़ा सा पास में हो। दिस इज अ वेंटिलेटर, आर्टिफिशियल वेंटिलेटिंग मशीन जो होती है, द मशीन दैट helps people breathe in and out. अगर lungs काम नहीं कर रहे होते हैं, if the patients are in coma, if their lungs are not working, whatever, for whatever reason, if the lungs are not working, then this machine helps the people, the patients breathe in and out. ठीक है? तो ये है ventilating machine, right? Ventilator है ये. And do you know that ventilator का एक बहुत important component होता है वॉल्व्स, ऑलराइट? थिंक अबाउट इट, वॉल्व्स क्या करते हैं? फ्लूइड के फ्लो को अंदर जाने को कंट्रोल करते हैं और बाहर आने के भी कंट्रोल करते हैं। मतलब क्या हुआ, कितनी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, उस फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वॉल्व्स होते हैं एंड दीज वेंटिलेटर्स दे यूज
one particular type of valves which are called solenoid valves. Alright? So, आज जो हम पढ़ रहे हैं, yes, yes, छायेश बिल्कुल करेक्ट. कोरोना में कोविड के टाइम पे वेंटिलेटर्स बहुत यूजफुल थे, राइट? एंड इन जनरल ऑल्सो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस से दे फाइट फ्रॉम दैट, एंड उसके लिए भी वेंटिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो सोलेनॉइड वाल्व्स आर वन वेरी इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट. अब सोलेनॉइड को वाल्व की तरह कैसे यूज करते हैं? द थिंग इज सोलेनॉइड्स हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसके कारण क्या होता है कि हम वेल इन दिस कॉम्बिनेशन वी कैन कंट्रोल द फ्लूइड फ्लो. ऑलराइट, सो दो तरीके के वाल्व्स होते हैं. वी कैन हैव टू वे वाल्व्स और थ्री वे वाल्व्स. एंड ये वाल्व्स जो होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है दिस ओवर हियर, राइट, दिस कॉइल ओवर हियर, ये कॉइल जो आपको दिख रहा है दिस इज अ सोलेनॉइड. ओके, सो ये जो वाल्व है ये वेंटिलेटर में यूज हो रहा है. इसी टाइप का वाल्व डायलिसिस मशीन में भी यूज होता है. काफी सारे लोगों ने डायलिसिस मशीन भी बोला है, राइट? सो यस, अलोंग विद वेंटिलेटर्स डायलिसिस मशीन में भी सोलेनॉइड के वाल्व्स यूज होते हैं. एंड विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड सोलेनॉइड करता क्या है, हाउ इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, हाउ दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, राइट? ओके, नाउ आई होप इससे आप लोगों का और भी जोश बढ़ गया होगा. व्हाई? बिकॉज़ इवन दो यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर, यू विल बी यूजिंग मशीन्स दैट विल बी यूजिंग फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स लेटर ऑन, राइट? यस, सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड. आई कैन सी लोग तो काफी एक्साइटेड है. एंड अभी तक अगर ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया हो तो कर दो, एंड लेट्स मूव ऑन. मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. ऑलराइट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सोलेनॉइड्स. सो अच्छा, आकाश सेज कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ करंट. यस आकाश, बिल्कुल करेक्ट. सोलेनॉइड्स जो है वो अगर हम सर्किट्स में यूज करते हैं तो इट डज एक्चुअली हेल्प अस कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट ऑल्सो. ठीक है, ईएमआई, नेक्स्ट चैप्टर जो हम ईएमआई पढ़ने वाले हैं उसमें हम और अच्छे से देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन अ सोलेनॉइड इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, राइट? ग्रोथ ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट इसमें भी काम आता है. बिल्कुल, ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. यहां पे अब मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग एनिमेशन है आपको शो करने के लिए. Alright, so I'm going to show a very interesting animation to you. And अब आप यहां पे देखोगे कि किस तरीके से अगर मैंने ये solenoid लिया, right? Solenoid क्या है? एक conducting wire का coil है, right? Conducting wire का coil है. Okay? अब मैंने अगर ये solenoid लिया और इसे circuit में डाल दिया, ठीक है? Circuit में connect कर दिया. As you can see, this is ammeter. This actually measures how much current is there. ये बैटरी है, ये स्विच है, ये बल्ब है. बल्ब विल ग्लो व्हेन द करंट कम्स, राइट? तो लेट्स सी, हियर वी गो. डू यू सी दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, राइट? जैसे ही करंट जाता है इस वायर के थ्रू, तो दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेट्स प्रोड्यूस्ड. एंड इफ आई क्लोज द स्विच, देन यस, the current reduces slowly and the magnetic field goes away as well, right? Okay, all right. Acha, Bhavya says if you've enrolled in Akash Saudex. Good, all right. Physics NCRT, Bhavya, bilkul zaruri hai. Okay, physics NCRT, NCRT textbook is the most important textbook, beyond which lectures bhi attend karna hai and practice bhi karna hai, hai na? ओके, नाउ सूरज, लक्ष्मी, साहिल, यस, अमेजिंग एनिमेशन, राइट? आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड आती है सोलेनॉइड से, राइट? नाउ श्रुति इज आस्किंग, मैम नोट्स कहां मिलेंगे? बेटा श्रुति, नोट्स विल बी देयर इन टेलीग्राम चैनल. आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? Make sure you are subscribed to that channel as well. Okay.
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट सोलेनॉइड, राइट? क्या होता है सोलेनॉइड? कि एक मेटालिक वायर लिया हमने, कंडक्टिंग वायर लिया, मोस्टली वी टेक कॉपर वायर्स बिकॉज कॉपर वायर सबसे अच्छा कंडक्टिंग मटेरियल होता है, राइट? एक्चुअली अफोर्डेबल भी होता है ना? गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी गुड कंडक्टर्स, बट अगेन दे आर नॉट रियली अफोर्डेबल, आर दे? सो यहां पे हम देखते हैं, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, द पर्पस ऑफ व्हिच इज टू जनरेट अ कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल वून्ड डायरेक्टली टाइटली इनटू अ टाइटली पैक्ड हेलिक्स. मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक कॉइल लिया, वायर लिया और उसको टाइटली रोल कर दिया, तो क्या होगा? वायर के कारण जो करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसके साथ आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह सोलेनॉइड को यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके. आई थिंक श्रुति, आई हैव आंसर्ड यू ऑलरेडी. आपको नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे. एवरी डे आई टेक क्लासेस एंड एवरी डे दोज नोट्स आर गिवन इन द टेलीग्राम चैनल. तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू इट. ऑलराइट, चलो. Now, अभी तक तो हमने देख लिया कि ऑल राइट, देर इफ देर इज अ करंट कैरिंग सर्क्युलर वायर, राइट, इफ देर इज अ करंट कैरिंग लूप, देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. तो अब सोचो कि अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लूप्स ले लिए, राइट, व्हाट इज सोलेनॉइड? इफेक्टिवली आई हैव वन लूप, टू लूप, थ्री लूप्स, फोर लूप्स, फाइव लूप्स, सिक्स लूप्स, ऐसे लूप्स जो है बढ़ते जा रहे हैं. तो अगर मैंने बहुत सारे लूप्स ले लिए तो क्या होगा? और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, है ना? दैट्स व्हाट हैपेंस एंड दैट्स द रीजन व्हाई विच वी यूज अ सोलेनॉइड इंस्टेड ऑफ अ सिंगल करंट कैरिंग कॉइल. ओके, ऑलराइट. अब देखो यहां पर अगर मैंने, इफ आई हैव मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन सिंगल सर्कुलर वायर, देन आई कैन यूज द फॉर्मूला फॉर इट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू so many different wires, right? So many different loops. Yes, I can do that. So, बिल्कुल वही करने वाले हम. Single current carrying circular wire के कारण इस तरीके की magnetic field आती है. तो अब एक साथ बहुत सारे आप रख दोगे तो कैसी magnetic field आएगी? It becomes like this, right? Effectively क्या हुआ? ये magnetic field के loops जो ऐसे stretch हो गए and the amount of magnetic field strength, right? जो strength होती है magnetic field की, वो बढ़ जाती है. ठीक है, ओके. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू अ रिंग, अगर मुझे वैल्यू निकालनी है इस मैग्नेटिक फील्ड की तो कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, राइट, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस पी, रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है. कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज पावर थ्री बाय टू. ये मालूम है हमें. Now we can use this expression to calculate magnetic field due to a solenoid, right? क्योंकि effectively क्या है हमारे पास? हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी rings है ना effectively solenoid में. That's it. ठीक है? Okay. यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? Solenoid क्या होता है? Is it completely clear? If it's completely clear, let's go ahead to the next section and find out magnetic field due to a solenoid. ठीक है? चलो. I can see. अच्छा, जन्नत अच्छे से समझ में आ गया. भाव्या, शाहिल, संजना, all clear guys? Tell me in the chat window, give me a thumbs up, tell me everything is crystal clear. Okay. It's clear. Yes. अच्छा भाव्या, आप हरियाणा से बिलोंग करती हैं. ऑलराइट, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हरियाणा. ओके, यस, ऑल क्लियर. ऑलराइट, सूरज, भावेश, शशि, सुमित, लक्ष्मी, जन्नत, ग्रेट. किसी को भी कोई भी डाउट हो बीच में तो बिल्कुल पूछना, आई एम गोना आंसर दोज क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करना है. ये तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है ना, अब कैलकुलेट कर लेते हैं. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, इसके ऊपर नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. ठीक है,
ओके आई कैन सी वैष्णवी, आपने अभी भी ज्वाइन किया है? हेलो वैष्णवी, ओके नाउ जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये होती है, तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे लूप्स हैं, राइट? हाउ कैन वी लुक एट इट? दो अब देखना, मेरे पास एक बहुत अच्छी एनिमेशन है, मेक श्योर यू वॉच इट केयरफुली, ठीक है? सोलेनॉइड जो होता है वो 3D ऑब्जेक्ट होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सब समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आई हैव ब्रॉट दिस एनिमेशन टू यू। ओके देखो, ये सोलेनॉइड हॉरिजॉन्टली देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टर्न इट अराउंड, ठीक है? इसको मैंने टर्न अराउंड किया एंड अब आई एम गोइंग टू ब्रेक इट फ्रॉम द मिडल, ठीक है? बस समझने के लिए कि करंट कैसे पास हो रहा है। सो हियर वी गो, डू यू सी दिस? नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट रिमूव द लोअर पोर्शन, क्यों? क्योंकि हमें तो करंट देखना है, तो मैं सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन रखती हूं, नीचे वाला पोर्शन गया। ओके सी हाउ द करंट कम्स, करंट कैसे जा रहा है? करंट यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है। डू यू सी हाउ करंट इज गोइंग? यस। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टर्न इट अराउंड अगेन एंड मेक इट हॉरिजॉन्टल अगेन, ठीक है? चलिए, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट अ सोलेनॉइड एंड अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि करंट कैसे जा रहा है। हाउ इज द करंट गोइंग? आई कैन टेक अ सोलेनॉइड एंड से दैट यहां पे करंट अंदर जा रहा है आई, यहां पे करंट बाहर आ रहा है आई, एंड दिस करंट इज गोइंग लाइक दिस फॉर एवरी सिंगल लूप, राइट? यस। तो अब यहां पे भी हम ये बोल सकते हैं, हियर करंट इज गोइंग इन, करंट इज कमिंग आउट, करंट इज गोइंग इन, करंट इज कमिंग आउट, और ये सारे, ये दोनों क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन सर्कल। व्हाट इज दिस? दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन सर्कल। इस तरीके से हम अलग अलग रिंग्स के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, है ना? यस। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, क्या हो जाएगी? इट विल कम आउट टू बी दिस डायरेक्शन, राइट? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये। ऑलराइट, नाउ इफ आई टेक एन एलिमेंट एंड से दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू अ सिंगल एलिमेंट इज इक्वल टू दिस, राइट? अगर मैंने डीएक्स लेंथ का एक एलिमेंट लिया तो मैं बोल सकती हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू अ सिंगल एलिमेंट और अ सिंगल करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कैन बी रिटन एज दिस, म्यू नॉट आई डैश आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज बाय 3/2। तो पी पॉइंट पर अगर एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये आती है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इट विल बी, यस, इंटीग्रेट कर दो, राइट? बिल्कुल, आई कैन सी लोगों को अच्छे समझ में आ चुका है। तो अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज इंस्टेड ऑफ डूइंग द एंटायर बिग इंटीग्रेशन आई एम गोइंग टू टेल यू फाइनल फॉर्मूला क्या आता है इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है? ओके हियर वी गो। अगर मैंने ये सारे लूप्स के कारण, राइट, एक एलिमेंटल लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड को लेके एड अप कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या मिलेगा? यहां से लेके यहां तक के सारे लूप्स को के कारण मैग्नेटिक फील्ड को एड अप कर दिया, ठीक है? दैट गिव्स मी द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, दैट कम्स आउट एज म्यू नॉट एन आई बाई टू इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, ठीक है? ओके, क्रिस्टल क्लियर। Now, let me tell you how to use this formula. ये important है, ठीक है? आपको समझ में आ गया किस तरीके के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं? बिल्कुल समझ में आ गया। कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी यहां पर? राइट हैंड थंब रूल लगाने के बाद यहां पे करंट इज गोइंग इन टू द प्लेन, हियर करंट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो राइट हैंड थंब रूल जब हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, राइट?
एंड वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू. वॉट आर थीटा वन एंड थीटा टू? थीटा वन एंड थीटा टू आर दीज एंगल्स. ठीक है, तो पॉइंट पी पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पी ऑलरेडी एक्सिस पर है. अब थीटा वन विल बी दिस एंगल, राइट? एक्सिस से एक एंड पॉइंट, पहला एंड पॉइंट कितना एंगल बना रहा है, एंड देन एक्सिस से लाइन जॉइनिंग पी एंड द सेकेंड एंड पॉइंट, ये कितना एंगल बना रही है, ये हो जाएगा थीटा टू. मेक श्योर यू कैलकुलेट द एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज, राइट? एंगल्स को एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ इसको यूज करके हम सारे पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. इफ आई टेक सम स्पेशल केस, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड एट अ कॉर्नर, राइट? अगर मुझे ये कॉर्नर वाले पॉइंट पे निकालना है तो भी निकाल सकते हैं, इधर के कॉर्नर वाले पॉइंट पे निकालना है बी पॉइंट पर तो भी निकाल सकते हैं, राइट? ओके, हाउ डू वी डू दैट? वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ एंगल. ओके, कैसे निकालेंगे उसको? अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ एंगल क्या आएगा, यहां देखो. When I substitute cos theta 1 minus cos theta 2, I can say that for a very long solenoid, right? Theta 1 is approximately 0, right? It's a very, very small angle. And theta 2 is approximately 90 degrees, right? So, जैसे ही मैंने theta 1, theta 2 की values डाली, मुझे आ गया ये answer mu naught ni by 2, okay? This is the final result that you need to remember, all right? Mu naught ni by 2 is the magnetic field at both the corners of the solenoid, both at the ends of the axis of the solenoid. All right, so ye point A, ye point B, yaha par magnetic field ho jayegi mu naught ni by 2. Okay, ab jaise humne formula dekh liya, ab uske baad questions bhi dekh lete hain, right? Let's go. Let's understand questions. अब यहां पे आप देखोगे बिल्कुल डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया था 2020 में. ओके, लेट्स सॉल्व. फटाफट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं. एन आइडियल सोलेनॉइड हैज 800 टर्न्स पर मीटर लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, राइट? 800 टर्न्स हैं पर मीटर लेंथ. Current of 1.6 ampere flows through it. The magnetic induction at the end of the solenoid on its axis is. कम ऑन, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हमको निकालनी है, कितनी, सारी वैल्यू यहां पर दे रखी हैं. एन क्या था? एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ओके, फटाफट निकालते हैं, चलो. ऑलराइट, भावेश का आंसर आ चुका है सी ऑलरेडी, बढ़िया है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई? देखो यहां पे पूछा है मैग्नेटिक इंडक्शन एट द एंड ऑफ द सोलेनोइड ऑन इट्स एक्सिस. एंड पे पूछा है एक्सिस के, मतलब क्या हुआ? म्यू नॉट एन आई बाई टू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, कर लेते हैं. म्यू नॉट एन आई बाई टू 4 पाई इंटू 10 रेज पर माइनस 7 म्यू नॉट एन. एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर. यहां पर 800 दे रखा है, एन बराबर 800. So, यहां पे हम बोल देते हैं दिस इज 800 इनटू आई बाय टू. आई क्या है? करंट जो फ्लो कर रहा है सोलेनोइड से. सो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1.6 एम्पियर्स, 1.6 डिवाइडेड बाय 2. दैट्स इट. इसको हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है? ओके, कितना आ जाता है आंसर इसका? 8.04 इंटू 10 रेज पर माइनस 4 टेस्ला, राइट? ओके, यहां पे somebody is asking something, Bhavya is asking, I'm doing just my class notes and packages beside reading NCRT, I'm not going anywhere, my teacher is awesome, alright, great, class में ही कर रहे हैं questions, concepts भी अच्छे से बता देते हैं, no alright. Chayesh is asking some suggestions, ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपस की गपशप आप कर लेना बाद में, अभी अगर यहां पे कोई डाउट्स हैं, यहां पे कोई मिस्टेक है तो मुझे बताओ, ठीक है?
यहां पर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग टेल मी. ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया इसका. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ. ओके, सुमित, जन्नत, आप लोग का आ चुका है. ओके, शिवानी, आई एम टेकिंग ड्रॉपर्स बैच एज वेल. ऑलराइट, कल होने वाली है एक क्लास ड्रॉपर्स बैच की, मेक श्योर यू आर देयर. ओके, क्लियर. नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट आइडियल सोलेनॉइड. ठीक है, तो अभी तक हमने एक जनरल सोलेनॉइड की बात की, राइट? मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कुछ होंगे, उनके साथ हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. इट विल हैव अ फाइनाइट लेंथ, राइट? हम थीटा वन और थीटा टू के टर्म्स में मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स आइडियल सोलेनॉइड, एंड आइडियल सोलेनॉइड के केस में क्या होता है, वी कैन से दैट एन सोलेनॉइड कैन बी कॉल्ड एन आइडियल इफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सैटिस्फाइड, राइट? Length is very very long compared to the radius of the solenoid. ठीक है, then it will be called an ideal solenoid. In that case, magnetic field निकालनी है तो हम बोल सकते हैं अंदर effectively बराबर होगी सब जगह. क्यों? क्योंकि it's very very long anyway, right? So theta one और theta two के terms में calculate करने की बजाय हम directly magnetic field लिख देते हैं. ठीक है, okay. N, number of turns per unit length is a लार्ज नंबर, राइट? टर्न्स आर वेरी वेरी क्लोजली वूंड और इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड. अगर ये कंडीशन है तो फिर हम इसको आइडियल ले सकते हैं. ऑलराइट, समबडी इज आस्किंग, लक्ष्य इज आस्किंग, अच्छा मैम व्हेन विल दिस बैच एंड? बेटा फुल सिलेबस हम करवा रहे हैं इस बैच में, तो आप देखोगे कि मिशन एमबीबीएस पैरेलल क्लासेस चल रही है, 11th की भी 12th की भी, राइट? नवंबर एंड तक हम सिलेबस खत्म कराने के लिए टारगेट रखा हुआ है. ओके, ऑलराइट. अच्छा, सिद्धार्थ इज आस्किंग, मैम प्लीज गिव सम टफ सम्स. बेटा टफ सम्स वी आर गोना डू इन प्रैक्टिस सेशन. अभी व्हाट वी आर डूइंग इज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड देन डायरेक्ट एप्लीकेशन प्लस द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन नीट. ठीक है, नीट में फिजिक्स के टफ क्वेश्चंस आते ही नहीं है वैसे तो, बट हां हम सारे तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस देन. आइडियल सोलेनॉइड के केस में हम कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड? ऑलराइट, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सिंस दिस इज एन आइडियल सोलेनॉइड, बहुत लंबा सोलेनॉइड है, तो वी कैन से दैट theta 1 is approximately equal to 0 degrees, theta 2 is approximately equal to 180 degrees, right? अगर मुझे यहां कहीं पे निकालना है तो बीच में कहीं पर भी निकालना है, right? बीच में कहीं पर भी निकालना है मुझे मैग्नेटिक फील्ड, I can say that theta 1 approximately 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बहुत लंबा है, C is very very far away. Similarly, theta 2 approximately 180 degrees हो जाएगा. यहां से देखोगे आप, D is very very far away, right? So, substituting those values, we get a very very easy formula, which is mu naught n I. Alright? Make sure you remember this. For an ideal solenoid, magnetic field inside at any point on the axis is going to be equal to mu naught ni. Bahar ki jab hum baat karte hain solenoid ke, to ideal solenoid ke bahar magnetic field approximately zero ho jati hai. Theek hai? Alright. So bahar magnetic field is approximately zero. Inside magnetic field is mu naught ni. Alright. Ab ye agar achhe se samajh mein aa gaya hai, to chalo let's take a look at this graph. Alright. And with this, you will be able to remember the values properly. Okay? Graph, ध्यान में भी रखना, क्योंकि कई बार directly पूछ लिया जाता है ये. So, magnetic field due to a general solenoid is mu naught ni by 2, cos theta 1 minus cos theta 2. And, अगर हम ideal solenoid की बात करते हैं, तो, ये, as you can see, all of this region, right? ये सारे में वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, व्हिच इज म्यू नॉट एन आई. एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखेंगे तो दिस बिकम्स हाफ ऑफ द
value at the center, which is mu naught n I by 2. Okay? All right. Now, when this is done, let's understand how to apply Ampere's law in order to calculate magnetic field to a solenoid. राइट अभी तक देखो क्या किया जब हमने आपको पहले बताया हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड देन वी यूज्ड इंटीग्रेशन राइट नाउ वो मैंने आपको बहुत डिटेल में यहां पर ऑलरेडी नहीं करवाया है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट इन डिटेल यू कैन ऑलवेज गो टू आकाश बायजूस के वीडियोस राइट इट्स अ फ्री ऐप राइट नाउ बट या व्हाट आई वांट टू टेल यू इज यू कैन यूज एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स सर्किटल लॉ to calculate magnetic field also very quickly and very easily. ठीक है? Yes. अब Ampere's law कैसे use करेंगे हम? Ampere's law we already understand can be used to calculate magnetic field and make it easier, right? जैसे Gauss law में electric field आसानी से calculate हो जाती है, वैसे ही Ampere's circuit law use करके magnetic field आसानी से calculate हो जाती है. So let's see, what do we do? We first take an Ampere's loop, right? तो अगर मुझे किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है यहां पर मेरे पास ये सोलेनॉइड है एज यू कैन सी दिस इज हाउ द सोलेनॉइड इज एंड करंट कैसे आ रहा है यहां से बाहर निकल रहा है करंट यहां पे अंदर जा रहा है करंट राइट दिस इज हाउ द करंट इज ओके नाउ हाउ डू आई यूज Ampere's law I will say कि एक तो पहले Ampere's loop लेते हैं और उसके बाद closed integral B dot dl is equal to mu naught times I total कर देंगे alright Ampere's loop यहां पे मैं एक rectangle ले लेती हूं why because of symmetry okay तो मुझे मालूम है बाहर magnetic field zero है अंदर magnetic field is in this direction as you can see and अगर मैं Ampere's loop भी इसी तरीके से लेती हूं right If it's a rectangle and I take it this sense, then what happens? Using right-hand thumb rule, I can say that coming out current will be positive, right? Ampere's loop ka sense of direction humne anti-clockwise liya hai. This is anti-clockwise. And that is why current coming out will be positive. Okay? Now, I can apply Ampere's law. I can say that closed integral B dot dl is equal to mu naught times the current crossing the boundary of the loop, right? Current crossing the area bounded by the loop. So, kitna current cross kar raha hai? Ab ye hum dekh sakte hai, number of loops se, right? N hai number of loops per unit length, right? N hai number of turns per unit length. To, x length par, agar ye x length hai, to x length par, kitne number of turns aayenge? n times x अब एक टर्न में से करंट i जा रहा है तो nx टर्न्स में से कितना करंट जाएगा nx times i here we go this is the current that is crossing the area bounded by the loop that's it तो mu naught times i total कितना हो गया nix right okay जैसे ही हमने ये लिख दिया अब उसके बाद बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं कि Closed integral B dot dl is basically closed integral B dot dl from integral from D to C, integral from C to B, from B to A and from A to D. Right? Yes. So here we go. From A to B, ek integral aa jayega. From A to D, dusra integral aa jayega. From D to C, teesra integral aa jayega. From C to B, chautha integral aa jayega. And with this, we say that close ho gaya loop. Right? Okay. Now, here we go. ये derivation जो है using Ampere's loop, this is very very important for board exams as well. ठीक है? So ध्यान में रखना इसको. इससे हमारे Ampere's loop की application भी बहुत अच्छे समझ में आ जाती है. अब ये मैंने Ampere's loop ना side में रख लिया है. And I am going to calculate closed integral B dot dl. मतलब क्या हुआ? B dot dl अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, from B to A, right? ये B dot dl zero हो जाएगा. क्यों? क्योंकि dot product है. पहला vector null vector है. क्यों? Magnetic field outside is zero. Okay. दूसरे की जब हम बात करते हैं, from A to D, तो क्या होता है? Magnetic field is perpendicular to L vector.
मतलब क्या हुआ, डीएल वेक्टर तो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, यू सी दैट राइट। सो यहां पे हम बोल देंगे यहां पे भी बी डॉट डीएल जीरो हो गया। अब डी टू सी की बात करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, बी डॉट डीएल जीरो नहीं होगा, ये हो जाएगा बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स, क्यों, सी डी लेंथ हमने एक्स ले रखी है, दिस लेंथ इज एक्स, तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। व्हाट एल्स, नाउ वी हैव फ्रॉम बी टू सी दिस इज ऑल्सो जीरो, क्यों, परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर। Now, if we write closed integral, right, sum of all four parts, as you can see, ये भी zero हो गया, ये भी zero हो गया, and ये भी zero हो गया, तो क्या मिला, सिर्फ ये मिला, मतलब b multiplied by x is equal to mu naught n i x, x x gets cancelled out, and we can say that b is equal to mu naught n i, okay, all right, I can see. शाहिल जन्नत क्रिस्टल क्लियर है, राइट, ओके। नाउ वंस वी हैव अंडरस्टूड दिस, इस पे भी डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड रियली वेल, ठीक है। तो आइडियल सोलेनॉइड में कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन, यू विल गेट अ रियली गुड आइडिया, ओके। आशीष बेटा, मेरे साथ तो ये है ना कि आई हैव ऑलवेज लव्ड फिजिक्स, तो मेरे ना बचपन में केमिस्ट्री पढ़ के बाल गिर जाते थे, फिजिक्स पढ़ के नहीं गिरे कभी, ठीक है। बट या आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, तो मैं तो यही बोलूंगी हमेशा, अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है, थोड़ा सा भी डर लगता है, तो फिजिक्स को अपना फ्रेंड बना लो, ठीक है, गेट क्यूरियस अबाउट इट, देखो कहां कहां चीजें अप्लाई हो रही हैं, फिजिक्स इज ऑल अराउंड यू, इट्स लाइक यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, राइट। जितना इंटरेस्ट आप देखते जाओगे उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा एंड उतना ज्यादा इजी होता जाएगा, ओके, ऑलराइट। चलो अच्छा, साजिद सेज बायोलॉजी पढ़कर आपके बाल गिर रहे हैं, देखो यार नहीं, मेरे तो अच्छे खासे लंबे हैं, बढ़िया। जो भी सब्जेक्ट अगर आपको टफ लगता है, राइट, मुझे मुझे याद है, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ठीक है, मुझे आईआईटी में जाना था, विच यस गॉट देयर, डन दैट, बट जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब मुझे केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा डर लगता था, क्योंकि मुझे रट्टा नहीं होता था, मुझसे याद नहीं होती थी चीजें, राइट। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ दैट, बढ़िया। फिजिक्स इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स विच इज लाइक, अगर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे तो वो आपको बहुत रिवॉर्डिंग होगा, स्पेशली नीट गाइज, राइट। जेई में तो क्या होता है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कैन गेट यू नो वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ, नीट में बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, एंड इसके कारण क्या होता है, फिजिक्स कैन बिकम अ रैंक डिटर्मिनेटर, अगर आपने फिजिक्स में अच्छा कर लिया ना तो आपकी रैंक बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, दैट इज दैट। अच्छा आशीष सेज, अच्छा यू आर इन गुड इन फिजिक्स, ऑलराइट, यू आर मोस्ट वेलकम बेटा, मेक श्योर यू कीप लर्निंग दिस वे, ओके ओके। द स्टूडेंट इज आस्किंग फ्रॉम आकाश और बायजूस, बेटा दिस इज आकाश बायजूस, right, but I've been in Baiju's throughout, so, Chashruti says, डर लगता है फिजिक्स से, अरे डरने की कोई बात नहीं, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नीट 2020 का क्वेश्चन है, श्रुति चलो मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, बिल्कुल तुम्हारा डर निकल जाएगा, ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में, 90% ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। सो देखते हैं, आइडियल सोलेनोइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर्स, ये दे रखा है हमें। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज म्यू नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पूछा है, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, सो हम आइडियल सोलेनॉइड बोल के काम कर लेंगे, राइट।
ओके अगर आइडियल सोलेनोइड बोल के काम करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा, म्यू नॉट एन आई। बट यहां पर एन क्या है? स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, राइट? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई दिस, लेट्स सी बी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट विच इज 4π × 10⁻⁷ इंटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स बाय यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 100 डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर, बट हमें एसआई में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे? 0.5 मीटर्स और हाफ मीटर, म्यू नॉट एन आई। आई कितना है? करंट, करंट कितना जा रहा है? 2.5 एम्पियर्स दे रखा है हमें, इंटू 2.5, राइट? 2.5 क्या है? 5/2, आसानी से हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? लेट्स सॉल्व इट, वेरी वेरी इजी कैलकुलेशंस, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट एज इट इज, राइट? 500 इंटू 4 पाई गिव्स मी 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, राइट? हियर वी गो, आ गया हमारा आंसर। आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर डी। आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर टू एवरीबॉडी। जिसको भी फिजिक्स से डर लग रहा है, आपका फिजिक्स का डर निकलता चला जाएगा, है ना? टेल मी राइट नाउ इफ एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर एंड आर यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट और नॉट, राइट नाउ टेल मी इन द चैट विंडो। यस अंकिता, लक्ष्मी, शशि, संजना, भावेश, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ गए हैं आपके। एंड ओके, आई कैन सी पीपल आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, राइट? यस आशीष, श्रुति, क्रिस्टल क्लियर, भावेश, साहिल, ऑल राइट, वेरी कॉन्फिडेंट। I am glad to hear it. जितना आप फिजिक्स में पढ़ते जाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, PYQs करते जाओगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जाओगे, उतना ज्यादा मन करेगा करने का, राइट? फिजिक्स पढ़ने का मन करेगा, उतना क्वेश्चन सॉल्व करने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन हो रहे हैं, राइट? दैट्स इट, ये साइकिल है, ये साइकिल चलती चली जाएगी। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन नाउ। एंड अभी तक अगर सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आ गया है तो लाइक वाइक करते जाना यार, ठीक है? आकाश बायजूस ऐप से रोज प्रैक्टिस करना है। आई हैव टोल्ड दिस टू एवरीबॉडी कि आकाश बायजूस ऐप से एवरी डे यू गॉट टू प्रैक्टिस 60 क्वेश्चंस एवरी डे प्रैक्टिस। You will find PYQs, you will find personalized practice, right? अगर आप किसी टॉपिक में कमजोर लगते हैं तो फिर वो उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको बार बार आते रहेंगे, सो दैट योर कॉन्सेप्ट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, राइट? अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट जर्नीज, डिफरेंट वीडियोज विल बी सजेस्टेड टू यू। ओके, आर एल्गोरिदम इज रियली गुड इन दिस फॉर्मैट। अच्छा, ऑल राइट, अनिकेत, भावेश, संजना, सब अच्छे से समझ में आ चुका है। नाउ वन वेरी क्विक रिमाइंडर गाइज, अगर आपने अभी तक एंथे में रजिस्टर नहीं किया है तो बिल्कुल कर दो, बिकॉज एज यू नो ऑलरेडी देर आर अ लॉट ऑफ कैश रिवॉर्ड्स, अप टू 100% स्कॉलरशिप्स ऑन आर आकाश बायजू सब्सक्रिप्शन। नीट के सब्सक्रिप्शन में आपको 100% स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं एंड अ फ्यू पीपल विल गेट अ चांस टू गो टू नासा। That's a very, very good chance, right? When I was preparing, when I was a student, I wish somebody had given me this chance. I would have taken it. I would have like worked for it, right? Now that we've understood solenoid really well, let's understand toroid very quickly. Okay? Toroid kya hai? A toroid is just ek aapne coil liya aur us coil ko again circular bend de diya. Right? Toroid is essentially a solenoid that is bent in the shape of a ring. That's it. Okay? Now,
एज सून एज यू अंडरस्टैंड दिस, यू अंडरस्टैंड कि भाई बाकी सारी चीजें तो वैसे ही हैं। वंस यू अंडरस्टैंड कि भाई टर्न्स है, टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, जैसे कि सोलेनोइड में टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही टोरॉइड में भी टर्न्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? दैट्स इट। सोलेनोइड में भी बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर जीरो हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी। एसेंशियली व्हाट यू हैव डन इज टेकन अ सोलेनोइड एंड बेंट इट इन अ रिंग, राइट? That's it. Achha. So that says, ma'am, please teach chemistry also. Beta, chemistry se mujhe hamesha se dar lagta hai. Main math aur physics padhati hoon. Okay? Chalo. Now let's understand very quickly what is a magnetic field due to a toroid. Okay? Ab toroid ko jaise hi aapne बैटरी से कनेक्ट किया, क्या होगा? करंट फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ दिस करंट देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? इनसाइड द टोरॉइड, एज आई सेड, यहां पर भी इफ यू यू नो टेक एन एम्पियर्स लूप, यू कैन चेक इट आउट दिस वे ऑल्सो, यहां पर अगर मैंने ऐसे एम्पियर्स लूप लिया, देन देयर इज जीरो करंट क्रॉसिंग थ्रू दिस लूप, राइट? सो इफेक्टिवली बी डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रल बिकम जीरो एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बिकम्स जीरो, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट आउटसाइड, आई कैन से दैट यहां पर भी अगर मैं एक एम्पियर्स लूप लूंगी, राइट? इफ आई वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी, आई विल टेक एन एम्पियर्स लूप, सर्कुलर एम्पियर्स लूप। यहां पर भी हम कह सकते हैं कि सिंस दीज आर कॉइल्स, राइट, आई विल से दैट जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है करंट, राइट? यहां से बाहर आ रहा है करंट, यहां से अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है। तो नेट करंट कितना हुआ? नेट करंट क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर एरिया बाउंडेड बाय द लूप इज जीरो। सो आई विल से दैट क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई एनक्लोज्ड विच इज जीरो। कितना हो गया? मैग्नेटिक फील्ड जीरो, राइट? ओके। श्रुति सेज, मैम इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। बेटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए हमेशा हमेशा राइट हैंड थंब रूल, राइट? तो क्या करना है, जितने भी राइटीज हैं मेक श्योर आप पेन हटा लो एंड राइट हैंड थंब रूल अच्छे से लगाओ। यहां पर अगर हम देखेंगे तो कैसे जा रहा है ये करंट, इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर एंड गोइंग इनसाइड हियर, राइट? तो फिंगर्स को जब हम सर्कल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। This is how the magnetic field is, right? This is the direction of magnetic field. That's it. अब अगर अंदर देखना है हमको तो magnetic field inside this region, or I can say on the axis of the toroid, I can calculate again using Ampere's law, right? B dot dl is equal to close integral B dot dl is equal to mu naught times I inside, and I can get the value. क्या हो जाएगा? यहां पर हमने एम्पियर्स लूप ले लिया, राइट? लेट्स टेक अ सर्कुलर एम्पियर्स लूप क्लॉकवाइज, दैट मींस गोइंग इन करंट इज पॉजिटिव एंड क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल आई कैन राइट इट एज बी मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। अब टोटल करंट कितना आ रहा है ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, राइट? आई इज द करंट, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ओके? एक टर्न के थ्रू करंट आई होता है तो एन टर्न्स के थ्रू एन इंटू आई, दिस गिव्स मी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन 2 पाई आर, दैट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके? दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। एज यू कैन सी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, एंड अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में निकालना है तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ द टोरॉइड इज इफेक्टिवली सर्कमफेरेंस ऑफ द टोरॉइड, राइट? तो 2 पाई आर हो गई लेंथ ऑफ द टोरॉइड एंड एन डिवाइडेड बाय 2 पाई आर कैन बी रिटन एज स्मॉल एन, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ओके? मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डजंट चेंज। अगर आपने एक सोलेनोइड लिया लंबा सा और उसको रिंग में बेंड कर दिया तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अंदर वो वही रहेगी, ओके?
All right. Here we go. This is a question that is a homework question for you. All right. टोरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग म्यू नॉट एन आई. ऑलराइट, सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. हियर वी हैव टू टोरॉइड्स, राइट, वन एंड टू. दे हैव अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 200 एंड 100 टर्न्स रिस्पेक्टिवली. एवरेज रेडियाई 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर आर गिवन हियर. इफ दे कैरी द सेम करंट आई, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स अलोंग द टू लूप्स इज, राइट, B1 is to B2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां पर. B1 is to B2. So, quickly take a screenshot and tell me your answer in the comments of this particular session. I will come back and give you the correct answer. Okay? All right. अच्छा, आशीष is asking something. Are you on? Yeah. Beta, I am a graduate, B.Tech graduate of IIT Kharagpur. So, way back when. It's been about 13-14 years for me teaching. All right. And with this, I will say all the best to you guys. Rose practice karo and rose class attend karo. Okay. 60 questions every day. And don't stress out. Keep healthy. Keep happy. Until next time. Happy learning. Bye-bye.